हेलो एवरीवन, मैं हूं रोमन मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका परीक्षा प्लस पर। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, फॉर्मेशन, इलेक्शन, नंबर ऑफ सीट्स, आफ्टर डिवाइडेशन, नंबर ऑफ सीट्स, रिजल्ट क्या रहा, तमाम चीजों के बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो सीधा पूछे जाते हैं, चाहे आपकी UPSC की कोई परीक्षा हो या PCS प्रीलिम्स में आप बैठेंगे, इनसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। मैंने लगभग ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स आपके कवर हों एक साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के कुछ और महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, उन कार्यों में जैसे हमारे राष्ट्रीय चिन्हों, हमारे राष्ट्रीय गीत, ठीक है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पशु, इन सभी चीजों को जो वर्किंग कमिटी के तौर पर कार्य कर रही थी संविधान सभा, उसी ने सब कुछ एक्सेप्ट किया। क्योंकि चुनाव जब हुए, लोकसभा चालू हुई, तब तो बात कुछ और थी। लेकिन आप ये अच्छे से जानते हैं कि संविधान सभा जब अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दी गई, तब भी इसका कार्य था कि भारत से जुड़ी हुई तमाम वो चीजें जिनको इसने एक्सेप्ट किया और भारत देश के लिए वो आज हमारे चिन्हों के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रीय चिन्हों से बढ़ने से पूर्व मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ले चलना चाहता हूं, जहां से सवाल सीधा पूछे गए हैं। दोस्तों, ये जो पूरा लेक्चर होगा हमारा, इस लेक्चर में आप UPSC की कोई भी परीक्षा जो अपकमिंग में होगी उसमें भी फायदा देगा, PCS प्रीलिम्स के लिए जो होगा उसमें भी ये आपका विशेष तरीके से मदद करेगा। चलिए आज हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से भी जुड़े हैं। चूंकि इनका डिस्कशन इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसे बिंदु पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जब संविधान हमारा बन रहा था तो संविधान सभा के द्वारा किसी चीज पर, जैसे आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कोई भी आप अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं तो आपका एक मुहर होता है उस विभाग से संबंधित, ठीक, उस मुहर को लगाया जाता है। जैसे आपके जो 10th 12th या UGPG के जो आपके क्या होते हैं, एक तरीके से प्रिंसिपल होते हैं, वो वहां पर एक आपका कोई साइन करेंगे, ठीक है, आपको प्रमाणित करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे, तो वहां पर एक मुहर भी लगता है। तो संविधान सभा के द्वारा मुहर के प्रतीक के रूप में, ठीक है, हाथी के प्रतीक को इस्तेमाल किया गया था, हाथी के प्रतीक को मुहर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कुछ और चीजें संविधान सभा से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी हमारे संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये चीजें हैं कि संविधान जो मूल रूप से आपका बना था, मूल रूप से जो था यह हाथों से लिखा गया था। सबसे पहले संविधान, जो मूल संविधान आपका है, मूल संविधान इटैलिक शैली में लिखा गया था। जो आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, यह इटैलिक शैली में लिखा गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इटैलिक शैली में लिखा गया था। कुछ और पॉइंट्स इनसे हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वो क्या है, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इटालियन शैली में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, इसके सुलेखक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कैलीग्राफर, इसके सुलेखक जो थे ये प्रेम बिहारी नारायण राय जादा थे, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ये इसके कैलीग्राफर थे, ठीक है, सुलेखक थे, जिन्होंने अपने सुंदर सुंदर हाथों से इस संविधान को लिखा था, भारतीय संविधान को लिखा था। और एक चीज हम देखें कि संविधान के सौंदर्यीकरण और सजावट, जो संविधान लिखा गया तो इसके सौंदर्यीकरण का जो जिम्मा सौंपा गया, ठीक है, सौंदर्यीकरण का जिम्मा और सजावट का जिम्मा, ये शांति निकेतन के दो कलाकार थे, शांति निकेतन के दो कलाकार थे, उन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया था। क्योंकि आप भारतीय संविधान खोलेंगे तो हर एक भाग पर, चाहे आपका शुरुआत जहां से होता है जैसे प्रीएम्बल से ही, तो उस पर ऊपर आपको विशेष डिजाइन में चित्र बने मिलते हैं, जो विशेषता वेदों से या कुछ हमारी कहानियां हैं जैसे महाभारत से संबंधित, इन सब तमाम चीजों से संबंधित उस पर चित्र दिए हैं। तो ये सुलेखक का और सजावट करने वालों का कार्य था। शांति निकेतन के दो कलाकार थे, एक तो आपके थे सबसे पहले नंदलाल बोस, और दूसरे जो कलाकार थे जिन्होंने नंदलाल बोस के साथ मिलकर संविधान को सजाया था, उनका नाम था व्यूहर राम सिन्हा, व्यूहर
राम सिन्हा। ये दो व्यक्ति एक ऐसे थे जिन्होंने भारतीय संविधान को सजाया था। इनसे संबंधित सवाल पूछा है कि ये कहां से संबंधित थे, तो ये शांति निकेतन से संबंधित थे और इन्होंने सौंदर्यीकरण और सजावट में अपना योगदान दिया था संविधान के। एक चीज और मैं बता दूं, संविधान सभा का एक सचिव भी नियुक्त हुआ था। संविधान सभा के जो सचिव थे इनका नाम था एच वी आर आयंगर नाम था। ये संविधान सभा के सचिव के तौर पर कार्य करते थे, एच वी आर आयंगर। और एक व्यक्ति आपका और था जिसको चीफ ड्राफ्टमैन के तौर पर चुना गया था, यानी मुख्य प्रारूपकार। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था, तो अगर इसकी बात करें कि मुख्य प्रारूपकार और प्रारूपकार कौन था संविधान सभा का, तो इसमें नाम आता है एलन मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार थे। किसके? संविधान सभा के, या संविधान के ये मुख्य प्रारूपकार थे और संविधान सभा के सचिव थे एच बी आर आयंगर जी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अब बात मैं आपसे करूंगा कि संविधान, मूल संविधान आपका इटालिक शैली में इंग्लिश में लिखा गया था, जब संविधान हिंदी भाषा में लिखा गया, ठीक है, संविधान हिंदी भाषा में लिखा गया, एक तरीके से ट्रांसलेट हुआ, तो हिंदी भाषा में लिखने वाला व्यक्ति कौन था संविधान का, इसको अगर हम बात करें तो उस व्यक्ति का नाम है बसंत लाल कैत, कृष्ण नाम है। इन्होंने मूल संविधान को किसमें? हिंदी में लिखा था, हिंदी में लिखा था। और इनके द्वारा जो लिखा संविधान था उसको सजाने का कार्य फिर किया था नंदलाल बोस ने, जिन्होंने अंग्रेजी में लिखे गए, इटालियन शैली में लिखे गए संविधान को सजाया था। उन्होंने हिंदी में लिखे गए संविधान बसंत लाल बैद के द्वारा जो लिखा गया था, इसको जो है इन्होंने डिजाइन किया, मतलब एक तरीके से नंदलाल बोस ने सजाया था। तो इन दोनों व्यक्तियों के नाम आप याद रखिएगा, बसंत लाल बैद ऐसा भी मिलेगा और ज्यादा किताबों में आपको बसंत कृष्ण बैद मिलेगा, हालांकि यही नाम इनका सही भी है, बसंत कृष्ण बैद, जिन्होंने संविधान को हिंदी में लिखा था, इसको सजाने का कार्य किया था नंदलाल बोस ने। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें अलग अलग कहीं से पूछ लेते हैं, वह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि संविधान सभा के द्वारा मुहर के रूप में किसका इस्तेमाल हुआ, तो हाथी के प्रतीक का इस्तेमाल किया था संविधान सभा ने मुहर के रूप में। दूसरी चीज, मूल संविधान किस शैली में लिखा गया, मूल संविधान इटैलिक शैली में लिखा गया था। तीसरी चीज, मूल संविधान के सुलेखक कौन थे, कैलीग्राफर कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा मूल संविधान के आपके सुलेखक थे। सौंदर्यीकरण और सजावट का जिम्मा किनको मिला, शांति निकेतन के दो कलाकार जो नंदलाल बोस और बिहोर राम सिन्हा थे, इन्होंने मूल संविधान के सौंदर्यीकरण और सजावट का जिम्मा उठाया। बात अब संविधान को हिंदी में किसने लिखा, हिंदी संस्करण में बसंत कृष्ण बैद ने लिखा और इसको सजाने का कार्य किसने किया, नंदलाल बोस ने किया था। दो पॉइंट्स इनको भी ध्यान में रखें, संविधान सभा का सचिव कौन था, एच बी आर आयंगर जी थे। मुख्य प्रारूपकार कौन था, तो एलन मुखर्जी थे। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों संविधान सभा के अन्य कार्यों की ओर। संविधान सभा ने अन्य कार्यों के तौर पर हमारे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, इन सभी को भी एक्सेप्ट किया था। उनकी डेट आपसे पूछता है, उन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें, जैसे आपके राष्ट्रीय पशु हैं, राष्ट्रीय पक्षी है, इन सब के साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछता है, तो एक बार हम इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। और अब आपका पॉइंट चलेगा हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। अब हम राष्ट्रीय चिन्ह की बात करने जा रहे हैं जो आपके नेशनल सिंबल्स हैं, आवर नेशनल सिंबल्स। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस होते ही होते हैं, लगभग आपके एग्जाम में मिल जाएगा, खासकर वनडे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल सिंबल्स में एक एक करके। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो ये है कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को एक चिन्ह को एक्सेप्ट किया था,
ठीक है, वो चिन्ह आपका क्या था, वो हमारा था राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग को एक्सेप्ट किया, राष्ट्रीय ध्वज को एक्सेप्ट किया किस दिन, 22 जुलाई 1947 को जो हमारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है इसको एक्सेप्ट किया गया। राष्ट्रीय ध्वज में आप जानते हैं तीन कलर हैं, तीन रंग हैं, ठीक है, इन तीन रंगों में एक तरीके से बीच में आपका एक चक्र बना है नेवी ब्लू में, इसमें जो है 24 तीलियां हैं जो न्याय के प्रतीक को दर्शाता है, जो आपका चक्र है ये न्याय के प्रतीक को दर्शाता है। ऊपर जो आपकी एक तरीके से है सबसे ऊपरी पट्टी, ठीक है, ये केसरिया रंग की है, बीच की पट्टी सफेद रंग की है और सबसे नीचे ये हरे रंग की है। ये तीनों अलग अलग प्रतीकों को दर्शाते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज वर्तमान ये पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा है, पिंगली वेंकैया के द्वारा हमारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया था, संविधान सभा के द्वारा इसको 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया। इसमें तीन कलर होते हैं। दूसरी चीज आपसे ये भी एक सवाल पूछता है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है, ठीक है, ये 3:2 के अनुपात में है, यानी 3:2 में राष्ट्रीय ध्वज का, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई में 3:2 होता है। अब हम बात करते हैं, कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है इन रंगों से संबंधित कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है। केसरिया रंग साहस का प्रतीक है हमारे, ठीक है, केसरिया रंग साहस का प्रतीक है। हरा रंग अगर हम बात करें, सबसे निचली पट्टी ये उर्वरता का प्रतीक है, ठीक है, पृथ्वी पर जो उर्वरता है, एक तरीके से आप जो है वन और इन सभी को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो ये दर्शाता है कि जो हरा रंग है ये हमारे भारत देश के उर्वरता से संबंधित है, कृषि से एक तरीके से संबंधित है, और जो सफेद है आपका बीच में ये शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है, केसरिया रंग आपके किसका प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित बातें थी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीजों के बारे में। जो चक्र आपका बना है, इस चक्र से संबंधित नेवी ब्लू है जो है इसका रंग, इसमें 24 तीलियां हैं, न्याय का प्रतीक है, हर एक तीली अलग अलग मतलब को दर्शाती है, ठीक है, न्याय का तो प्रतीक है ही ये सिंबल लगातार, लेकिन हर एक तीलियों का इसका अलग अलग मतलब है, उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं तीलियों से, लेकिन इससे पूछे जाते हैं कि जो ये हमारा राष्ट्रीय चक्र है, एक तरीके से राष्ट्रीय तिरंगे में जो बीच में चक्र है, ये चक्र कहां से लिया गया है, तो आपको याद होगा सारनाथ में स्थित है अशोक का एक तरीके से स्तंभ, उस स्तंभ से इस चक्र को लिया गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र को कहां से लिया गया है, इसे सारनाथ में स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स के रूप में, और वो ये है, इसके बाद अगर हम देखें राष्ट्रीय ध्वज के बाद, तो आपको ध्यान होगा 1949 की अगर हम बात करें, ये तो 1947 की बात थी, 22 जुलाई 1947 जिस दिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर ली। अगर हम देखें 1949 की घटना बाद 1949 की, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो है इसी में ली गई थी, राष्ट्रमंडल की सदस्यता संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, 1949 में एक्सेप्ट की गई थी राष्ट्रमंडल को लेकर। राष्ट्रमंडल मतलब जो जो देश ब्रिटेन के गुलाम थे, यानी जिन पर ब्रिटेन का उपनिवेश था, वो राष्ट्रमंडल देशों के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रमंडल देशों में सदस्यता का हमारा यह अर्थ नहीं है कि आज ही हम ब्रिटेन के औपनिवेशिक राज्य के तौर पर हैं, हम जब चाहें राष्ट्रमंडल से जो है सदस्यता अपनी त्याग सकते हैं, क्योंकि आज हम संप्रभु राष्ट्र हैं। इसके बारे में आगे मैं और डिस्कस करूंगा। तो 1949 की बात है जब हमने राष्ट्रमंडल की जो है सदस्यता स्वीकार की। अब मैं बात करता हूं राज्य चिन्ह की। भारत का राज्य चिन्ह क्या है, ठीक है, भारत देश का राज्य चिन्ह क्या है, तो आपको ध्यान होगा इसके बारे में अशोक स्तंभ, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ है, उस स्तंभ पर जो है सबसे ऊपर
वो उल्टे कमल के आकार का स्तंभ बना हुआ है, ठीक है, उल्टे कमल के आकार का है, उस पर चार शेर चारों दिशाओं में मुंह करके हुए हैं, ठीक है, तीन सिंह ही दिखाई देते हैं, हालांकि चार सिंह हैं, चारों सिंह क्या है, चारों दिशाओं में मुंह करके खड़े हैं, उन पर कुछ और पशुओं की आकृति है, उनसे भी संबंधित आपसे सवाल पूछता है। तो अगर हम बात करें कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, या राज्य चिन्ह या राष्ट्रीय चिन्ह, आप माने कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस दिन स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, तो भारत सरकार एक तरीके से अब तब गवर्नमेंट हो ही चुकी थी, तो ये हम संप्रभु हो सके थे, तो भारत सरकार के द्वारा हमारे राजकीय चिन्ह या राष्ट्रीय चिन्ह को, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को दिन एक्सेप्ट किया गया आपका 26 जनवरी 1950 को, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, माना गया, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक सारनाथ में स्थित अशोक का जो लौह स्तंभ है वो हमारा एक तरीके से ये है राष्ट्रीय चिन्ह है। इस पर एक घोड़े की आकृति है, बैल की आकृति है, हाथी की आकृति और शेर की आकृति है, नीचे जो है पिलर के नीचे, और सबसे नीचे देवनागरी भाषा में मुंडको उपनिषद से लिया गया एक वाक्य लिखा है, और वह वाक्य आपके कई एग्जाम में पूछा है, ठीक है, उससे संबंधित सिर्फ यही पूछा है कि अशोक के सारनाथ में, या सीधा सीधा आपसे पूछता है कि राज्य चिन्ह में देवनागरी भाषा में लिखा गया सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो यह मुंडको उपनिषद में दिया गया वाक्य है, सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा विजय होती है, और इसको राष्ट्रीय चिन्ह में जो हमारा है यानी अशोक के स्तंभ के नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो अब हम बात कर लिए राज्य चिन्ह के बारे में, ठीक है, उसमें कौन से पशु बने हैं उनके बारे में हमने देख लिया, उसकी आकृति उल्टे लटके हुए कमल की भांति है ये भी हम जान गए, उस पर बने हुए पशु कौन कौन से हैं, आपका घोड़ा है, हाथी है, शेर का चित्र है और बैल का चित्र है, ठीक, ये चार चित्र उस पर बने हुए हैं, इनसे संबंधित सवाल पूछा है। अब हम बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स की ओर से, अब हम ये देखते हैं 26 जनवरी से पहले 24 जनवरी 1950 के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। 24 जनवरी 1950 आप कई लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि कौन सी चीजें फिर से भारत सरकार के द्वारा एक्सेप्ट की गई, तो 24 जनवरी 1950 की बात है। इस दिन जनगणमन अधिनायक जय है जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसको संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया या भारत सरकार के द्वारा एक्सेप्ट किया गया राष्ट्रीय गान, ठीक है, जनगणमन है, इससे संबंधित भी सवाल पूछते हैं, जनगणमन जय, अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। एक तो और सबसे जरूरी चीज, गायन अवधि से संबंधित सवाल पूछा है, राष्ट्रीय जो आपका गान है इसकी गायन अवधि कितनी है, 52 सेकंड है सिर्फ, ठीक है, हर एक इसकी जो लाइनें हैं हालांकि उसका भी फिक्स है कि कितने सेकंड में कौन सी लाइन तक हमें कंप्लीट करना है, किस पर जो है तेज बोलना है, किस पर धीमा बोलना है, ये सब कुछ इसके अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, लेकिन उनसे संबंधित सवाल नहीं पूछा है, ये पूछता है कि राष्ट्रीय गान की जो गायन अवधि है ये कितने सेकंड की है, राष्ट्रीय गान की गायन अवधि 52 सेकंड की है। दूसरी चीज और हम देखें, जनगणमन अधिनायक जय है को ही हमने अपने राष्ट्रीय गान के रूप में क्यों चुना, तो आपको ध्यान होगा कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 को, 27 दिसंबर 1911 को अधिवेशन हुआ था, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता के अधिवेशन में सबसे पहले इस राष्ट्रीय गान को गाया गया था, जनगणमन अधिनायक जय है, इसीलिए इसको हमारे सरकार के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में घोषित किया गया। दूसरी चीज ये जो है, एक तो मैंने बता दिया पहली बार कब गाया गया था, इससे सवाल बहुत बार पूछा है, 27 सितंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के, ये कहां से लिया गया, किसके द्वारा रचित है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि जो रचित की गई थी ये उससे लिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर की द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है जनगणमन अधिनायक जय। अब हम कुछ पॉइंट्स पर और नजर डाल लेते हैं, और वो है इसी दिन, ये तो राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत भी हमारा इसी दिन 24
जो है जनवरी 1950 को ही एक्सेप्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा। राष्ट्रीय गीत आप जानते हैं क्या है? राष्ट्रीय गीत आपका जनगणमन तो आपका राष्ट्रीय गान है। अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें तो आप वंदे मातरम नाम सुना होगा, सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम, ये आपका वंदे मातरम जो है ये हमारे राष्ट्रीय गीत के तौर पर आता है। और राष्ट्रीय गीत इसको 24 जनवरी 1950 को ही भारत सरकार के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत दोनों साथ साथ हैं, इसकी डेट में मत कंफ्यूज होइएगा। वंदे मातरम अगर आपसे पूछता है ठीक है ये किसके द्वारा रचित है, तो वंदे मातरम अगर हम देखें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। एक उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था बहुत फेमस आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ से यह लिया गया है वंदे मातरम, ठीक है। और यह संविधान सभा के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया था, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आती है कि जैसे राष्ट्रीय गीत के बारे राष्ट्रीय गान के बारे में हमने पढ़ा कि इसको सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, वैसे राष्ट्रीय गीत भी आपके इसके कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही अधिवेशन में गाया गया था और वो अधिवेशन हुआ था 1896 में। राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के जो है एक अधिवेशन जो 1896 में हुआ था पहली बार गाया गया, और वही बात राष्ट्रीय गान कांग्रेस का अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में हुआ वहां पर पहली बार हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया था। इन दोनों पॉइंट्स को एकदम दिमाग में रखिए। ये कहां से लिया गया? राष्ट्रीय गान हमारा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वही चीज राष्ट्रीय जो गीत है हमारा वंदे मातरम, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित बहुत प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है उसके द्वारा लिया गया है। तो ये इतने पॉइंट्स आपके कवर हो गए। अब हम बढ़ते हैं कुछ और चीजों की ओर से, ठीक है, कुछ और आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। वो कौन कौन से हैं हमारे नेशनल सिंबल्स के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, उनके बारे में भी हम बिंदुवार देखते हैं। अगली चीज मैं आपसे बात करूंगा सख्त संवत के बारे में, ठीक है। 22 मार्च 1957 की बात है, ठीक है, 22 मार्च 1957 इस दिन क्या हुआ? भारत सरकार के द्वारा सख्त संवत को एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। सख्त संवत को भारत सरकार ने अपने कार्यभार के लिए, अपने शासन में कार्य के लिए इसको एक्सेप्ट किया। और सख्त संवत पर आधारित जो एक तरीके से कैलेंडर है इसको राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया था। सख्त संवत पर आधारित कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया था। 22 मार्च 1957 वो आपकी डेट थी जिस दिन ऐसा हुआ। दूसरी चीज अब हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? अगर आपसे बात करें कि सख्त संवत शुरुआत कब होता है, ठीक, तो आपको ध्यान होगा कि इसका प्रथम माह जो होता है यह चैत्र होता है, ठीक, और सबसे अंतिम माह फाल्गुन, जिसको हम लोग फागुन के तौर पर जानते हैं, यह होता है, ठीक है। चैत्र से शुरुआत होता है और फाल्गुन इसका अंतिम माह होता है। तो यह है सख्त संवत के शुरुआत की, ठीक है। कुछ चीजें और पॉइंट्स इसमें अभी बाकी हैं उनमें हम देख लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि सख्त संवत को जो है ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ साथ ही अपनाया गया था, कैलेंडर के साथ साथ इसको अपनाया गया था। इस पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इसको बाद में, इसके साथ साथ इसको भारत सरकार ने अपना लिया था। इसका प्रथम माह क्या होता है? चैत्र होता है, और सबसे अंतिम माह क्या होता है? फागुन या फाल्गुन होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और हैं उनके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, और वो पॉइंट्स ये हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प, हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है, सारे लोग जानते हैं, लेकिन इससे सवाल क्या पूछता है? उसका वैज्ञानिक नाम। राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है, ठीक है, एक बार देख लिख लेते हैं फिर सबके हम साइंटिफिक नेम देखते चलेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय पशु, फिर कुछ पॉइंट्स और हैं, राष्ट्रीय पशु के बाद आपके राष्ट्रीय पक्षी,
दिमाग में आप सोचते रहें सभी के साइंटिफिक नेम क्या क्या है एक तरीके से। राष्ट्रीय नदी भी मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि इसका भी प्रावधान 2008 में हो चुका है। तो चलिए एक बार इसमें देखते हैं, एक आपका राष्ट्रीय फल भी है, ध्यान होगा आपको। अब एक एक करके देखते हैं, राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है, बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय फल आम। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव ये गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिनें हैं, तो इनको आप गंगा डॉल्फिन के नाम से जान सकते हैं। इसको राष्ट्रीय जीव घोषित कर दिया गया है, गंगा डॉल्फिन। चार पांच इनको आप ध्यान रखें कि हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उन राष्ट्रीय चिन्हों के वैज्ञानिक नाम क्या हैं और इनको एक तरीके से एक्चुअल नाम इनके क्या है और वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट आपको यह मैं बताऊंगा कि राष्ट्रीय नदी ये जो गंगा को घोषित किया गया था ये 2008 में घोषित किया गया है। ये पूछा है एक बार कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। वहीं अगर हम देखें कि इसके बाद भारत सरकार ने जैसे आपका 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, 2 अक्टूबर हुआ, इन सबको राष्ट्रीय दिवस के तौर पर घोषित किया था, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी नेशनल सिंबल से जुड़ी, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक से उनसे जुड़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं, लगभग हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सारे पार्ट समाप्त हो चुके हैं। मैंने सब कुछ आपसे डिस्कस कर लिया जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से सारी चीजें संबंधित रही, उन तमाम चीजों के बारे में बात कर चुके हैं हम। इनसे संबंधित जो हम नोट्स है मेरी, उसका पीडीएफ मैं वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो भी मैंने उसमें इंक्लूड कर रखे हैं, आप उसको वहां से डाउनलोड करके एक साथ देख सकते हैं। बाद में सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको मैं पूरी पीडीएफ एक साथ स्कैन करके और उसको पीडीएफ के रूप में संकलित करके शेयर कर दूंगा, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके आसानी से मतलब अपनी एक अच्छी नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद आने